सभी साथियों को पीयूष लड्डा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, आज लाइव आने का उद्देश्य मेरा यह है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता का एक बयान आया है। वो बयान एक विवाद विरोधी बयान है, इसलिए मैं आज सभी आप सभी के बीच में लाइव आया हूँ। आप सभी को मैं वो वीडियो भी अभी सुनूंगा, सभी साथी एक बार जुड़ जाए, फिर मैं आप सभी को वो वीडियो दिखाऊंगा। उनका जो बयान है वो देश विरोधी एक बयान है। समाजवादी पार्टी के एक नेता शफीकुर रहमान बार्क नेता है एक समाजवादी पार्टी के। उनका साथियों एक बयान आया है कि मैं वंदे मातरम के खिलाफ हूं। आप सभी को मैं वीडियो सुनाता हूं, आप सभी सुनिएगा इस वीडियो को। शफीकुर रहमान बार्क समाजवादी पार्टी के एक नेता है, आप सभी देखिएगा। जो देश की पार्टी जो वर्तमान में राज कर रही है, इस चुनाव को राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ रही है। उन्होंने एक नारा दिया है कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर। आपका एक विवाद रहा है वंदे मातरम से संसद बने, आप उस पर अभी भी कायम है कि राष्ट्रवाद? बिल्कुल अब भी कायम। मैं वंदे मातरम का अब भी खिलाफ हूँ। इट इज अगेंस्ट इस्लाम, आई कैन नॉट फॉलो इट। साथियों, आप सभी ने सुना समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बार्क का ये बयान है, आप सभी वापस सुन सकते हैं, सुनिएगा। मैं वंदे मातरम का अब भी खिलाफ हूँ। इट इज अगेंस्ट इस्लाम, आई कैन नॉट फॉलो इट। साथियों, जैसा कि आप सभी ने सुना, शफीकुर रहमान बार्क समाजवादी पार्टी के नेता, उनका ये बयान है कि मैं वंदे मातरम के खिलाफ हूँ। उनका ये बयान आया है साथियों कि मैं वंदे मातरम के खिलाफ हूँ। शफीकुर रहमान बार्क, जो कि जिस धर्म से है, आप सभी ने देख लिया होगा उस वीडियो में वो किस धर्म से है, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है वो किस धर्म से है। शफीकुर रहमान बार्क समाजवादी पार्टी के नेता है एक, उनका बयान है मैं वंदे मातरम के खिलाफ हूँ। अब साथियों, हमारे भारत देश में जो व्यक्ति वंदे मातरम के खिलाफ हो उसका क्या हाल होना चाहिए, ये आप लोग ही बताएं। साथियों, उसका क्या हाल होना चाहिए जो व्यक्ति वंदे मातरम के खिलाफ हमारे इस भारत देश में है। आवाज नहीं जाती।
अरे छाती है, मैंने फेले करके दे रहा सर्विस कार्ड आप सभी ने सुना साथियों, शफीकुर रहमान बार्क का ये एक बयान है कि मैं वंदे मातरम के खिलाफ हूँ। मैंने अभी आप सभी को सुनाया है। जो साथी नहीं देख पाए इस वीडियो को, पीछे जाके आप सभी रिमूव में जाके आप सभी देख सकते हैं। एवं अब शफीकुर रहमान बार्क को मेरा एक जवाब है कि साले अगर तू वंदे मातरम के खिलाफ है तो इस भारत देश में रहने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। इस भारत देश में रहने का तुझे कोई अधिकार नहीं है कि अगर तू वंदे मातरम के खिलाफ है। जो लोग राजनेता, जो दोगले राजनेता भारत देश में रहकर ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो मैं उन सभी से आज ये पूछना चाहूँगा कि जो कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान क्यों होता है? जो कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान क्यों होता है? जो वंदे मातरम का विरोध करता है वो मुसलमान क्यों होता है? ये एक मुसलमान का बयान है, समाजवादी पार्टी के जो नेता है शफीकुर रहमान बार्क, इनका ये बयान आया है कि मैं वंदे मातरम के खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। तो अगर तू वंदे मातरम के खिलाफ है तो साले भारत देश छोड़कर चला जा, नहीं तो भारत देश में अभी तो कुछ लोगों, बहुत कम लोग हैं जिनको डर लगने लगा है, बहुत कम लोग हैं जिनको डर लगने लगा है, तेरी तो पूरी फट जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तेरी पूरी फट जाएगी शफीकुर रहमान बार्क, ये बात कान खोल कर सुन लेना। और अगर तू ये मेरा लाइव वीडियो देख रहा है साथियों, आप सभी से भी एक निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को शेयर करके उस शफीकुर रहमान बार्क उसके पेज भी हो, अगर उससे उसके पेज या उसकी फेसबुक आईडी से भी अगर जो कोई भी लोग जुड़े हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे, किसी पे भी हो, उसके फेसबुक पे किसी भी पोस्ट पे उसको कमेंट कर देना, उसको मैसेंजर पे सेंड कर देना या इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, लेकिन ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचा देना। और अब मैं ये कहना चाहूँगा शफीकुर रहमान बार्क, कान खोल कर सुन ले, अगर वंदे मातरम के खिलाफ है तो इस भारत देश को छोड़कर चला जा, भारत देश को छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरे भाईजान जो 300 लोगों को पाकिस्तान में घुसकर मारा साले, उससे भी दर्दनाक मौत हम तुझको देंगे। वंदे मातरम के तू खिलाफ है और तू समाजवादी पार्टी का नेता है, अरे तू क्या इंसान है ये मेरे को समझ में नहीं आता। सालो जो भारत देश में, भारत जो राजनेता कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई देश नहीं होता, तो उनको ये कहना चाहूँगा जो कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान के होता है, जो कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान के होता है, वंदे मातरम का विरोध करने वाला मुसलमान के होता है, भारत देश में भारत देश के टुकड़े करने के नारे लगाने वाले मुसलमान के होते हैं। ये मैं पूछना चाहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से सभी हिंदुस्तानियों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि हर जो भी देश विरोधी घटना होती है, हिंदू धर्म विरोधी घटना होती है, उसमें मुसलमान ही क्यों पकड़ा जाता है, उसमें मुसलमान ही क्यों आता है? ये भारत देश उनका है, जिन्होंने ये एक नारे लगाए थे उदयपुर में, जो इन्होंने नारे लगाए थे हिंदुस्तान का एक ही राजा मेरा वो है, जो भी मैं नाम नहीं लूँगा साथियों, लेकिन हर चीज़ में मुसलमान ही क्यों? हम नहीं कहते कि पूरी मुसलमान कौम गद्दार है, हम ये कहते हैं कि जो कोई भी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान के होते हैं, और मुसलमान ही इस चीज़ का विरोध क्यों करते हैं, मैं ये आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से पूछना चाहूँगा साथियों। जो कोई भी ऐसा करता है वो मुसलमान के होता है, और वंदे मातरम का विरोध किया है, वंदे मातरम का इस भारत देश में वंदे मातरम जो असेंबली में होता है उनको बंद कराया जाता है, वंदे मातरम को बंद कराया जाता है एवं नए रूप से पेश करने का एक स्टेटमेंट देकर उसे बंद कर दिया जाता है, एवं वंदे मातरम का विरोध इस भारत देश के लोग करते हैं, लेकिन मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगा कि इस भारत देश में ही, भारत देश में रहकर जो हिंदुस्तान का खाकर जो साले पाकिस्तान की गाते हैं, उनका क्यों हाल बुरा नहीं होता, ये मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा उनका हाल बुरा क्यों नहीं होता?
भारतीय सेना के जवानों को गलत कहा जाता है, भारतीय सेना के जवानों पर गलत बयान आते हैं, वंदे मातरम का विरोध इस भारत देश में होता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है भारत देश में। भारत देश मेरे का जो साले हिंदुस्तान का खाते, जिस थाली में खाते हैं उसी में चिर अरे छेद क्यों क्या पूरी थाली ही तोड़ देते हैं। उन लोगों को कोई जवाब नहीं होता, उनको सिक्योरिटी दी जाती है सरकार की तरफ से, जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। ऐसे बहुत से मैं बता दूं जो लोग खुलेआम इस भारत देश में भारत विरोधी बयान देते हैं उनका कोई कुछ नहीं करता, और देश के बाहर के दुश्मनों में बहुत लगे। शफीकुर रहमान बार्क कान खोल कर सुन लेना, आइंदा से वंदे मातरम के खिलाफ रहा तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा इस हिंदुस्तान में। जो अंजाम तेरे भाइयों का पाकिस्तान में घुसकर जो भारतीय सेना ने किया है वो अंजाम हम तेरा करेंगे इस हिंदुस्तान में, ये बात कान खोल कर सुन लेना। आज वंदे मातरम का विरोध करने वाले तेरी औकात नहीं है कि तू वंदे मातरम का गान भी इस भारत देश में करे, तेरे मुंह से वंदे मातरम शब्द भी अच्छा नहीं लगता। एवं जो तूने बोला है कि इस्लाम में इसे फॉलो नहीं किया जाता, तो मैं कहना चाहूंगा तू तो इस्लाम के नाम पर कलंक है, तू इस्लाम के नाम पर कलंक है। हम नहीं कहते कि पूरी मुसलमान कौम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बात हम भी करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को मिटाने की सोच रखने वालों, देश के देश विरोधी बयान देने वालों, देश के विरोध में प्रदर्शन करने वालों, तुम्हारे तो बाप है हम, ये बात कान खोल कर सुन लेना आज इस वीडियो के माध्यम से, तुम्हारे बाप है हम, ये बात कान खोल कर सुन लेना। एवं सभी साथी इस वीडियो को शेयर करके उस शफीकुर रहमान बार्क तक जरूर पहुंचा देना, उसके पेज पे कहीं पर भी कमेंट करके उस तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए, कान खोल कर सुन लेना। अरे साले तेरे तो तेरे किसी ने कहा था तेरे कौम में से ही, तेरे जैसे देश विरोधी में से किसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट तो छोड़, 5 मिनट आ जा, सिर्फ 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम मैं मांगना, तू जहाँ होगा वहाँ आऊँगा मैं, 5 मिनट आ जा मैदान में, दो दो हाथ कर लेते, फिर पता पड़ जाएगा कौन है इस भारत देश का देशभक्त। साले समाजवादी पार्टी का नेता होकर तू देश विरोधी बयान देता है, ये तुझे शर्म नाम की चीज़ आनी चाहिए। साले अब तो उम्र भी होगी तेरी, इतनी शर्म तो तू भी कर, उम्र भी हो गई, पाँव से चलने नहीं आता होगा, पाँव थर थर काँपते होंगे, मुँह से सही से आवाज़ नहीं निकलती होगी, और तू वंदे मातरम का विरोध कर रहा है इस भारत देश में। घर में घुसकर मारेंगे आइंदा से ऐसी हरकत करी तो। बस यही आप सभी के बीच में कहना चाहूँगा इस चीज़ का, आप सभी भी अधिक से अधिक विरोध करें, एवं इस वीडियो को उस जिहादी तक, उस देशद्रोही तक ज़रूर पहुँचा देना।